कुरान पाक की बेहुरमती और पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने पैदल मार्च कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एक तरफ जहां पूरे देश भर में भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, तो वहीं शुक्रवार को दुर्ग मुस्लिम समाज के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। गौरतलब है कि रिपोर्ट में कुरान व पैगम्बर मोहम्मद साहब का अपमान कर टिप्पणी किए जाने से आक्रोशित दुर्ग के मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुल की दरगाह के पास इकट्ठा होकर सभी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपमानजनक शब्दों से मुसलमानों की पवित्र कुरान व पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान होने पर आक्रोश जताया। साथ ही इस संबंध में दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे दुर्ग की मस्जिदों के इमाम के द्वारा दुर्ग कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष मस्जिदों के इमाम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जमा हुए नुपुर शर्मा और ये नवीन जिंदल, इन दोनों ने मिलकर, ये कुलदीप प्रवक्ता है, इन दोनों ने जो है मुसलमानों के आहत पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। हमारे पैगम्बर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत दुखी बात और तकलीफ देने वाली बात कही है, इसलिए हम लोग उससे तकलीफ में हैं। तो हम लोग आपके पास जमा हुए हैं इसलिए कि ताकि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के अंदर बंद की जाए, ताकि वो बाहर रहेंगे तो किस तरीके की बात होगी तो ये माहौल इससे ख़राब होगा। तो प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समाज बल्कि यहाँ नहीं, दुर्ग नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में तमाम मुस्लिम समाज विरोध करे इस बात का कि हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और जो एक ख़ास पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो हम लोग इसी वजह से जमा हुए, हम अपनी, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई मुस्लिम समाज अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर आए, आपने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम समाज रोजी रोटी के लिए आया, लेकिन मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार उनके नाम पर, क्योंकि हमारा जीना और मरना उन्हीं के नाम पर है। तो ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि मुसलमान सब्र कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे माहौल बना रहे हैं आप, और जो ख़ास करके एक पार्टी के लोग हैं इस तरह पार्टी ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया। निष्कासित आप बताइए, अभी रतनलाल शर्मा ने ये किया था, ट्वीट किया था, उनको गिरफ्तारी हुई कि नहीं? वो दलित थे इसलिए गिरफ्तार किया गया। बाकी अगर हिंदू समाज जो खास करके एक पार्टी से आते हैं, अगर वो लोग लाख गलती कर रहे हैं, अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ निष्कासित करने ना कोई काम की बात तो नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी की और पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है, तो क्या सिर्फ निष्कासित करने से काम चल जाएगा? बल्कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए और पूरी दुनिया की आवाम को मैसेज देना चाहिए कि भाई इस तरह की गुस्ताखी फिर नहीं होगी। जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग कैसे समझेंगे? तो नाम बताइए। मोहम्मद ज़ियाउर रहमान कादरी मेरा नाम है, और हम यही उम्मीद करते और यही मांग करते प्रशासन से भी और दूसरे लोगों से भी कि इस तरह के लोगों को रोका जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा इस तरह का कोई कदम ना उठा सके। जिस तरह से इस्लाम धर्म के पैगंबरों व पवित्र ग्रंथ के खिलाफ दिए गए टिप्पणी से मुस्लिम समाज में दुर्ग नहीं बल्कि पूरे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है, अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस कड़ी में किस तरह का रुख अपनाता है और कार्रवाइयों को अंजाम देता है, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी धर्म के पूजनीय और पवित्र ग्रंथों का अपमान कोई भी ना कर सके और देश की एकता और अखंडता हमेशा कायम रख सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।